Realme की तरफ से एक और नए नेकबैंड लॉन्च हो चुके हैं, दैट इज Realme Tech Life Buds N100 नेकबैंड। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपए है और मैं इनको लगातार दो दिनों से प्रॉपर तरीके से इनकी ग्रिलिंग कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर रिव्यूज प्रोवाइड कर पाऊं। एग्जैक्टली इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है और एंड तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड करेंगे कि 1300 के हिसाब से इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। So hope you like this one and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. So यहाँ पे आपको Realme Tech Life Buds N100 नेकबैंड का ऐसा आपको डिसेंट सा आपको बॉक्स मिलेगा। बैक साइड में काफी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए, हम आगे सब डिटेलिंग में प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। एंड बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे एक वारंटी कार्ड, 1 ईयर की आपको वारंटी मिल जाएगी। साथ ही में आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसको आप चेकआउट करके देख सकते हैं। साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग केबल, यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगी, एटलीस्ट टाइप सी का चार्जिंग केबल देना चाहिए था। एंड इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। मेन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज द रियलमी N100 नेकबैंड यू विल बी गेटिंग एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है नेकबैंड में एंड क्वालिटी आपको डिसेंट अच्छी मेंटेन की गई है, इसको आप फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर पाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। एंड पूरा आपको जो बिल्ड दिया गया है प्लास्टिक का दिया गया है, यहाँ पे आपको रियलमी टेक लाइफ की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड काफी लाइट वेट नेकबैंड प्रोवाइड किया गया है। एंड दूसरी साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मल्टीफंक्शन बटन्स मिल जाएंगे, एक्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिटेलिंग में चेक करेंगे। एंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट जिसमें कोई कवर नहीं दिया गया है। एंड नीचे साइड हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी प्रॉपर वायर्स, वायर्स आपको बिल्कुल यहाँ पे राउंड शेप की पतली से आपको वायर्स मिल जाएंगी नेकबैंड की। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रॉपर मेटलिक बड्स, बड्स आपको पूरे मेटल फिनिश के दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फिन्स भी मिल जाएंगे। एंड इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी दिया गया है एंड अगर आप सिंपली पेयर कर चुके हैं डिवाइस को तो अगर आप सिंपली मैग्नेट्स हटा देंगे तो ये लास्ट पेयर डिवाइस से ऑटोमेटिकली फटाफट पेयर हो जाएगा एंड जैसे आप मैग्नेट्स लगा देंगे वापस तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा लास्ट पेयर डिवाइस से। सो इसका मैग्नेटिक ऑन ऑफ फीचर जो दिया गया है अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड प्रॉपरली अगर आप नेक पे प्लेस करेंगे तो यार काफी लाइट वेट नेकबैंड दिए गए हैं, इसको आप सिक्योर तरीके से प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे तो कानों को सही तरीके से पैक करते हैं, बाहर की काफी नॉइस कैंसिल हो रही है बिना म्यूजिक प्ले किए भी। एंड सिक्योरली प्रॉपरली फिट करेंगे कानों को, इसको आप डेफिनेटली हैवी वर्कआउट्स के टाइम भी यूज कर पाएंगे, काफी लाइट वेट नेकबैंड दिए गए हैं, इसको आप डेफिनेटली सिक्योर फिट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 9.2 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा एंड इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन है आपको डिसेंट मिलने वाले हैं, मैनेजेबल आपको प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों रियलमी ने इस बार एप्लीकेशन का सपोर्ट जो देती है, हमेशा रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलने वाला, जो अलग अलग कस्टमाइजेशन है बटन कंट्रोल्स को लेकर और जो आपको जो अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स हैं, भले वो बेस बूस्टेड मोड हुआ, बैलेंस मोड हुआ, ब्राइट मोड हुआ, ये सब आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाले इस नेकबैंड में। मेरे हिसाब से देने चाहिए थे प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और जो ओवरऑल लुक एंड फील भी वो आपको बिल्कुल डिसेंट मिलने वाला है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश बोलते हैं, फंकी लुक बोलते हैं ना, प्रीमियमनेस नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक आपको मैनेजेबल डिसेंट लुक एंड फील मिल जाएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत ये ओवरऑल एवरेज प्रोडक्ट लगा, ऐसे नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा प्रीमियम या बहुत ज्यादा खास प्रोडक्ट है, थोड़ा बहुत प्राइसिंग इसी कम रखनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो। एंड अगर हम बात करेंगे बटन कंट्रोल्स की, बटन कंट्रोल्स का हिसाब किताब आप देख लीजिए एक्जैक्टली कैसे इसके बटन कंट्रोल्स वर्क करते हैं। जो बीच में बटन दिया गया अगर आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, उसी को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा। एंड माइनस को अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे या लॉन्ग प्रेस भी करके रखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। एंड अगर आप जो प्लस बटन दिया गया अगर आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे या लॉन्ग होल्ड करके रखेंगे प्लस बटन को तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। एंड जो बीच वाला बटन है उसको अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पर जाएगा। एंड अगर आप उसी बटन को ट्रिपल प्रेस करेंगे, 3 बार प्रेस करेंगे तो इसमें आपको गेम मोड मिल जाएगा, गेम मोड में एंटर कर जाएगा 3 बार प्रेस करने से, फिर से 3 बार प्रेस करेंगे तो गेम मोड से एग्जिट कर जाएगा। एंड जो बीच वाला बटन है अगर आप उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए उसी बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा।
एंड किसी का कॉल आ रहा है डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए, बीच वाले बटन को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अब इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की। अब हम गेम मोड ऑन करके बीजीएमआई गेम टेस्ट करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे आपको गेम आउटपुट कैसे मिलने वाला है। मैंने हमेशा की तरह खेला वन प्लस 9R में BGMI और ये गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे इसमें अच्छा मिल गया। गेम मोड ऑन करके मैंने गेमिंग करी थी। जो लेफ्ट राइट का सेपरेशन है आप बिल्कुल क्लियरली पता कर पाएंगे एक्जैक्टली एनिमीज कहाँ से आ रही है, फुटस्टेप्स की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, और जो लेटेंसी है आपको बिल्कुल लो मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल हार्डकोर गेमिंग करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए गेमिंग करते हैं, तो आपको ऐसे ज़्यादा लैग फील नहीं होने वाला है। इसको आप अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन, देयर इज अ साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको लाउडनेस ना अच्छी मिल जाएगी, फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली सुन पाएंगे। ट्रेबल्स आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएंगे, भरे भरे आपको प्रॉपर ट्रेबल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो वोकल्स की क्लैरिटी, जो क्रिस्पनेस बोलते हैं ना म्यूजिक में, वो आपको बिल्कुल अप टू द मार्क परफेक्ट नहीं सुनाई देगी। थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वो आपको थोड़ी बहुत मिसिंग लग सकती है। बिल्कुल परफेक्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डिसेंट, आपको अच्छा मैनेजेबल म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली सुन पाएंगे, लेकिन जो क्लैरिटी है वोकल्स की, वो आपको थोड़ी बहुत बोलते हैं ना अप टू द मार्क, बिल्कुल परफेक्ट जो बोलते हैं ना क्रिस्पनेस और क्लैरिटी, वो आपको थोड़ी बहुत मिसिंग लग सकती है इस नेक बैंड में। बात करेंगे बेस की। बेस इसमें यार डिसेंट दिया गया है, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं दिया गया है। हल्के हल्के आपको लग सकता है कि हाँ बेस इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली बेस लवर हैं तो आपको इसमें बेस को लेके भी थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है। बेस इसमें ज्यादा खास नहीं दिया गया है। बात करेंगे कॉलिंग की। मैंने एक फ्रेंड से कॉलिंग की इस नेकबैंड के थ्रू आउटडोर कंडीशन में, वो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा एग्जैक्टली इससे कॉल आउटपुट आपको कैसे मिलने वाला है। हेलो सुधांत, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया भैया। सुधांत, अभी ना रियलमी N100 करके एक नेकबैंड लॉन्च हुआ है रियलमी टेक्लाइफ की तरफ से, उनसे लगा के मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी आवाज 60-70% क्लियर आ रही है, और नॉइज भी आ रही है पीछे की। पीछे ये डॉग भाग रहा, कुत्ता भाग रहा, उसकी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बिल्कुल उसकी क्लियर आ रही है। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड हवा ये सब मतलब कैसी आ रही है? हवा की कितना एक्सपेक्ट किया आपने परसेंटेज बोला? 60-70% आपकी मान सकते हैं आ रही है क्लियर, बाकी 30% नॉइज है। ओके, ऑल राइट सिद्धांत, थैंक यू। सो कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपको अंदाजा लग सकता है एक्जैक्टली से आपको कॉल आउटपुट कैसे मिलने वाला है। यार सामने वाला 60-70% फोकसली मुझे सुन पा रहा था, लेकिन 30-40% उसको बैकग्राउंड नॉइस पता चल रही थी। मैं अपनी टेरिस पे खड़ा हुआ था, कुत्ते भौंक रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, हवा आ रही थी, उसको एक्जैक्टली पता चल रही थी। घर के अंदर आप बातें करते हैं, अंडर कंडीशन में बातें करते हैं, तो ठीक है आपको नेकबैंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आउटडोर कंडीशन में सामने वाले को फेस हो सकती है दिक्कत बैकग्राउंड नॉइस को लेकर। सो उसमें आपको अबव एवरेज डिसेंट कॉलिंग मिल जाएगी, बहुत ज्यादा परफेक्ट कॉलिंग नहीं मिल पाएगी। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी को। सो यार मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 7.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 7 out of 10, और मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 7.5 out of 10। दीज आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेक बैंड, अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपए। सो यार 1300 के हिसाब से, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ओवर प्राइस है। अगर आपको ये 900-1000 रुपए तक मिलता है तो ठीक का प्राइस जस्टिफाई करता है, लेकिन 1300 के हिसाब से इसका लुक एंड फील बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं दिया गया है। डिसेंट आपको बेसिक सा लुक एंड फील मिल जाएगा, ना ही आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है जो हमेशा रियलमी प्रोवाइड करती है। माइक्रो यूएसबी आपको चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है, टाइप सी देना चाहिए था, और इसमें आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ज्यादा परफेक्ट डिटेलिंग के साथ बोलते हैं ना, आपको बिल्कुल अप टू द मार्क परफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अच्छा मैनेजेबल म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। डिसेंट आपको बेस मिलेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं मिलेगा, और अब एवरेज आपको कॉलिंग मिलेगी। सो ओवरऑल ये अब एवरेज प्रोडक्ट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा बहुत महंगा है, अगर आपको ये 900-1000 रुपए के आसपास मिलता है तो इसको आप ऑप्शन में रखिएगा। 1300 के हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा बहुत ओवर प्राइस दिया गया है। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक के थ्रू। एंड अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो, आपको कुछ पूछना हो, आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च रियलमी टेक लाइफ बड्स N100 नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.